वेलकम टू माय चैनल हैंड होम। मैं हूं आरिफा पठान और आज हम बल लगाएंगे सलवार में हाइड पॉकेट। सलवार में हाइड पॉकेट बहुत काम आती है, आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। तो इसको मैंने किस तरह से लगाया है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इस तरह से अंदर से ये लगेगी। तो चलिए देख लेते हैं सलवार में हाइड पॉकेट किस तरह से लगाते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें पॉकेट सीधे हाथ की तरफ से ही लगानी है, हमारी पॉकेट सीधे हाथ की तरफ से ही लगनी चाहिए। इसे मैंने हिप साइज़ से 10 इंच ज़्यादा लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे काट लीजिए। जो खुला हुआ भाग है उस तरफ से मैं 10 इंच इस पर निशान लगाकर इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। आपको जहाँ भी जेब लगानी है उस हिसाब से आप फोल्ड कर लीजिए, जितना भी चौड़ा आपको जेब लंबा आपको जेब चाहिए। और इस तरह से अब इसकी बीच में से हम कटिंग कर लेंगे और इन दोनों भाग को हम इस तरह से जोड़ लेंगे जिस तरह से हम नेफा बनाते हैं सलवार में नाड़ा डालने के लिए। ठीक उसी तरह से हमें दोनों तरफ इसको जोड़कर इस तरह से बना लेना है। दोनों तरफ फोल्ड करते हुए अब हम जेब की कटिंग करेंगे। जेब की कटिंग के लिए 6 इंच पर निशान लगाकर मैंने इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। आपको जितनी लंबी जेब चाहिए उतना लंबा आप निशान लगा सकते हैं। जितना लंबा आपको जेब चाहिए उतना निशान आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ 6 इंच लिया है और ऊपर मैंने 8 इंच का बेल्ट लगाया था, इसलिए ऊपर जेब से ऊपर वाली लंबाई मैं 8 इंच की रखूँगी। तो टोटल लंबाई हम 14 इंच ले लेंगे। 14 इंच में मैंने निशान लगा लिया है और जेब की चौड़ाई मैं यहाँ 7 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद हो, जितनी भी आपकी ज़रूरत हो उतनी लंबाई आप ले सकते हैं। अब ऊपर की तरफ भी हम 7 इंच लगा लेंगे ताकि हमारी एक जैसी जेब कटे, तिरछी ना कटे। अब इन निशान को सीधा करके हम जेब की कटिंग कर लेंगे। हमारी जेब कटकर तैयार है। अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ 1/2 इंच निशान लगा लेंगे और 1/2 इंच का हम यहाँ पे ये छोड़ देंगे। 1/2 इंच दोनों तरफ निशान लगाकर 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ छोड़ देंगे और फिर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ, जिससे हमारी जेब बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये ऊपर की तरफ 1/2 इंच छोड़ते हुए हम ये दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों तरफ सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ पर दोनों तरफ में बिल्कुल छोटा सा कट लगाना है हमें, 1/2 इंच से भी कम, 1/4 इंच बिल्कुल छोटा सा कट लगाएंगे हम दोनों तरफ। इस तरफ भी हम ऐसे ही कट लगा लेंगे। और इस जेब को हम बीच में पलटते हुए आधा करते हुए कट लगा लेंगे। ये हमारा बेल्ट है। यहाँ पर हम जेब लगाएंगे। पहले जेब को मैं सीधा कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने जेब को सीधा कर लिया है। अब इस जेब को हम ये जो हमने बनाया था नेफे की जैसा, उसको हमने कट लगाया था उसके सेंटर में रखकर, ये देखिए कट से हमें इसमें सेंटर में रखकर दोनों तरफ 1/2 इंच का कपड़ा अंदर फोल्ड, जेब का कपड़ा अंदर फोल्ड करते हुए हमें दोनों तरफ सिलाई लगा ले ली है। इस तरह से दोनों तरफ मैं सिलाई लगा लूँगी। थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करते हुए हमें दोनों तरफ सिलाई लगा ले ली है। इस तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये मेरा जेब बन गया है। और ये नीचे की तरफ जो ये खुला हुआ भाग है इसे भी हम सिल लेंगे।
यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरफ से ये कपड़ा हमारा अंदर नहीं आना चाहिए, हमें ध्यान से सिलाई लगानी है वरना फिर आपका हाथ अंदर नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम इसे के भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से सिल लिया है। अब यहाँ से ऊपर वाली ये सिलाई है, इसे हम खोल लेंगे सुई से, कैंची से, जिससे भी आप खोलना चाहे खोल सकते हैं। देखिए मेरा हाथ आसानी से अंदर तक जा रहा है। अब इसके ऊपर हम प्लेटें डाल लेंगे, सल डाल लेंगे, जैसे आप सलवार में डालते हैं वैसे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।